ये सूखने के बाद ये प्लेट अपने आप बन जाएगी नहीं? अच्छा, मशीन में बनाना पड़ेगा है? तो दोस्तों आज आए हम असम और त्रिपुरा के जो बॉर्डर है उसके एरिया में आए हैं, और आज हम आपको यहाँ का कल्चर दिखाएंगे कि क्या है क्या नहीं आज के वीडियो में साथ। तो आप वीडियो में देख सकते हैं सामने पूरा पहाड़ी इलाका है और ये एक नदी निकल रही है बीच से, गांव के पास से नदी निकल रही है। तो ये एक नदी है जो गांव के बीच से निकल रही है और इसके छोटे छोटे नाले हैं साइड में, और इन्हीं के जो टापू बने हुए हैं इनके ऊपर ही देखिए एक छोटा सा गाँव बसा। आज इसी गाँव के बारे में मैं आपको दिखाऊँगा इस वीडियो में कि क्या क्या है। ये देखिए चारों ओर आप देख सकते हैं कि ये गाँव है पूरा, और यहाँ के ये छोटे छोटे घर टीने लगे हुए हैं और कोई पक्का लेंटर नहीं डालते हैं, ये सिर्फ टीनों से ही बनाते हैं, क्योंकि इसका कारण ये है कि यहाँ बारिश बहुत होती है, बारिश यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसी कारण ये लगभग टीने ही लगाते हैं, पक्का लेंटर कोई नहीं डालता, कोई इक्का आधा घर में पक्का लेंटर डालते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पानी इन्होंने स्टॉक कर रखा है इसके अंदर मछली का बीज भी डाल रखा है। तो आप इसमें साफ तौर पर देख सकते हो कि यहाँ पूरा जंगली एरिया है, और ये देखिए छोटे छोटे मकान बना रखे हैं इन्होंने, और कितनी हरियाली है, खूबसूरत नज़ारा है चारों ओर का। तो यहाँ पर हरियाली की कोई कमी नहीं है, चारों ओर हरियाली है। देखिए यहाँ की जो स्थानीय महिलाएं हैं वो भी बोटिंग कर रही है, आप देख सकते हो सामने कि कैसे बोटिंग कर रही है। और ये देखिए यहाँ के जो छोटे छोटे मकान हैं, यहाँ का बहुत ही शानदार नज़ारा है। अगर आप यहाँ कभी घूमने आओ तो बहुत ही मज़ा आने वाला आपको इसी जगह पे, आपका वापस जाने का दिल नहीं करेगा कि मैं वापस घर की तरफ जाऊँ, ऐसा शानदार नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही शानदार, आपका मन लगेगा अच्छी तरीके से कि भाई मैं घर पे ही ना लौटूँ, ऐसा यहाँ पर आपका दिल करेगा। और यहाँ की आप हरियाली देखिए, मैं राजस्थान से आया हूँ तो यहाँ घूमने के लिए, तो मैं यहाँ की हरियाली देख के मेरा मन कर रहा है कि मैं यहीं रुकूँ। और आप ये सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे मछली के बीज है जो इन्होंने इसमें डाल रखे हैं, और ये मछली पालन भी करते हैं। और ये देखिए यहाँ की महिलाएं हैं वो वोटिंग कर रही है, तो आप ये भी इंजॉय से अभी मछली पकड़ने के लिए जाएगी, मछली पकड़ के अभी का शाम का खाना ले आएगी, अभी जाएगी, दोपहर का खाना हो जाएगा, शाम का हो जाएगा, मछली पकड़ेगी और वापस आ जाएगी। और जो यहाँ के घर है बहुत ही बारीकी से बनाई है, और यहाँ के पेड़ पौधे फलदार है सारे, और अच्छे अच्छे फूल लगे होते हैं। तो यहाँ की जो जंगल है उसकी, जो यहाँ का जंगल है उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, हर तरीके के लाल पीले गुलाबी हर तरह के फूल लगे होते हैं, तो यहाँ का जो जंगल है उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, बहुत ही अच्छी खूबसूरती यहाँ के जंगल की। और ये देखिए यहाँ से भी नज़ारा देखोगे आप, यहाँ के फूल देखोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसमें। तो ये आप कभी घूमने आओ असम त्रिपुरा में और आओ, तो बहुत ही बढ़िया जगह है घूमने के लिए, आप आओ यहाँ पे बोटिंग करो, आप यहाँ हरियाली में रहो, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे, यहाँ पे आओ आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और कभी यहाँ के जो घरों में गांव में जाओगे तो यहाँ के लोग आपको देख के खुश होंगे, ये नहीं कि आपको बुरा लगेगा। और हम देखिए इसी तरह एक घर में आए हैं, और यहाँ पर ये जो रबड़ का व्यापार है वो करते हैं, कि जो रबड़ का पेड़ लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, जो रबड़ के पेड़ होते हैं उनसे ये उनका जो रबड़ निकाल के लाते हैं, पहले वहाँ पे जाते हैं रबड़ के पेड़ पे, वहाँ पे कट लगा के, एक कटोरी लगा के जो इसके हाथ में है ये कटोरी लगा के आते हैं, और वो रात भर में भर जाती है, उसको सुबह जल्दी जाते हैं 3 बजे 4 बजे सुबह निकलते हैं, क्योंकि 4 बजे यहाँ उजाला हो जाता है, तो सुबह 3 बजे निकलते हैं और जाके ये जो ड्रम रखे हुए हैं इनको भर के लाते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये जो ड्रम रखे हैं ये भर के लाते हैं, और ला के जो प्रक्रिया है मैं उसको आपको दिखा रहा हूँ, आप सामने वीडियो में देखो, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि कैसे रबड़ बनता है, जो हम देखते हैं ना टायर बनते हैं, जो भी रबड़ की जो चीज़ें हैं वो कैसे बनती है, तो आपको वही दिखाने वाला हूँ कि रबड़ किससे बनता है। ये एक पेड़ से रस निकलता है, जो रबड़ का पेड़ होता है उससे ये रस निकलता है, उसको लाते हैं, और जो ये छोटे छोटे इन्होंने बना रखे हैं रखने के लिए, इसमें पहले पानी डालते हैं 3 कटोरी, उसके बाद 2 कटोरी पानी डालते हैं, फिर 3 कटोरी ये रबड़ का रस डालते हैं, और इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ये सूख जाता है फिर इनको मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो में, इनसे पूछूंगा, जानकारी लूंगा पूरी, तो आगे मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये इसको सुखाते हैं, कैसे इसकी वो प्लेट बनाते हैं, तो मैं वही दिखाने वाला हूँ आज के वीडियो में। तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको आज के वीडियो में, आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें, इनसे पूछेंगे भी कि क्या हो रहा है, कैसे बनाते हो, कितने रुपए की बिकता है, सारा हम नॉलेज लेंगे इनसे।
हम घूमने आए हैं तो इनसे नॉलेज लेके ही जाएंगे आज कि कैसे रबड़ बनता है क्या बनता है, क्योंकि हम तो राजस्थान के ठहरे, हमारे को तो इतना पता नहीं है कि कैसे रबड़ बनता है क्या बनता है। तो ये देखिए, एक के जो ट्रे होती है उसमें 3 कटोरी के लगभग डालते हैं, और ये आगे वाले भाई साहब है ये पानी डाल रहे हैं इसी के अंदर, और ये पीछे से इसमें एक जो ट्रे होती है उसमें लगभग 3 कटोरी डाल रहे हैं, और ये इनको सूखने के लिए रखने के लिए छोड़ देंगे। ये सूखने के बाद ये प्लेट अपने आप बन जाएगी? नहीं, अच्छा मशीन में बनाना पड़ेगा है? ये एक एक कितने की बिकती है? ये एक का कितना रुपया है इसका? एक किलो का दाम 120 है। एक किलो का ये एक 500-600 ग्राम होगी है ना? दो होने से हो जाएगा 1 किलो? 2-3 तो दोस्तों ये बता रहे हैं कि जो ये 2 या 3 प्लेट है इसके लगभग 120 रुपये मिलेंगे इनको। तो देखिए मेहनत है लेकिन आप इनमें आपको बहुत कुछ बच जाएगा। ये देखिए केमिकल भी मिला रहे हैं, और इसमें ये केमिकल है ये मिलाते हैं, और ये केमिकल मिलने के बाद ही वो प्लेट जो है अच्छे से बन जाएगी। तो ये एक प्लेट इसमें केमिकल को मिला के इसमें, और ये देखिए अच्छे से इसको मिलाएंगे, जो पानी डाला था और जो रबड़ का दूध डाला था और ये जो ये केमिकल मिला रहे हैं, और इसको डाल के इन्होंने अच्छे तरीके से इसको मिला दिया है, और ये प्लेट बनके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए हर प्लेट में यही कार्रवाई चलती है इनकी, मिलाते रहते हैं और ये सारी प्लेटों में ये दूध भर देते हैं और केमिकल डाल के सबको मिला देंगे, और फिर इनको सूखने के लिए टांग देंगे। सूखने से पहले इनको मशीन में डालेंगे और मशीन से जो है प्लेट अच्छे से बन जाएगी। तो प्लेट बनने के बाद उसको सूखने के लिए इस पर डाल देंगे। मैं मशीन दिखाता हूँ। तो ये देखिए वो मशीन है जिसमें इनके बीच में डालते हैं, जो प्लेट थोड़ी बहुत सूख जाएगी इसमें डालेंगे तो वो अच्छे से एकदम टाइट हो जाएगी, और उस पर जो ये निशान है वो उग जाएंगे। तो ये होने के बाद इनको यहाँ पे सुखा दिया जाता है, और सुखाने के बाद इनको जैसे ही सूख जाएगी ये सारी प्लेटें देखिए रबड़ की है, तो इनको अंदर रख देंगे और फिर इनको बाज़ार में बिक्री के लिए बेच देंगे। तो ये देखिए यहाँ कुछ प्लेटें सूखी हुई रखी है। इसके अलावा ये लकड़ी का स्टॉक कर रखा है इन्होंने, और मछली के लिए जाल भी इकट्ठा कर रखा है। तो ये लकड़ी का स्टॉक इसलिए है कि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो उससे जो बारिश के मौसम में चूल्हा जलाने के लिए ये लकड़ी का स्टॉक करते हैं, और मछली पालन के लिए ये जाल रख रखे हैं, और ये बारिश के मौसम में आसानी से अपना चूल्हा जला लेते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि जो मैं अगला वीडियो उसमें बता सकूं कि रबड़ के पेड़ कैसे होते हैं। जो अगला व्लॉग होगा उसमें यही बताऊंगा कि रबड़ के पेड़ कैसे होते हैं, तो वही दिखाऊंगा जो ये सामने रबड़ के बगान लगे हुए हैं, वहाँ का वीडियो मैं बनाऊंगा। आप ही इन साथियों से जो यहाँ के लोग हैं उनसे मैं जाके बोलूँगा कि रबड़ का बगान भी घुमा दे, तो मैं वहाँ का डिटेल वीडियो बताऊँगा कि आपको कैसे रबड़ निकाला जाता है और कैसे पेड़ से निकाल के फिर लाते हैं, तो मैं वो अगले वीडियो में दिखाऊंगा। और अगर आपको अगला वीडियो देखना है रबड़ कैसे बनता है तो कमेंट ज़रूर करें।